सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। जब भी थोड़ा समय खाली होता है तो हम अपनी फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम या ट्विटर टाइमलाइन को खंगालने लग जाते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि सोशल मीडिया की तस्वीरें आपके जहन पर कैसा असर डालती हैं? फिर चाहे वो आपके दोस्त की छुट्टियों की तस्वीरें हों या फिर किसी सेलिब्रिटी की जिम में ली गई फोटोज, ये तस्वीरें खुद के बारे में आपकी सोच किस तरह से प्रभावित करती हैं? सोशल मीडिया पर फेमस हस्तियों की तस्वीरें बनावटी तरीके से खूबसूरत बनाकर पेश की जाती हैं। दुबली पतली मॉडल की तस्वीरों से दुनिया को भ्रमित किया जाता है। ऐसे में सोशल मीडिया पर काट छाट कर या एडिट करके जो फोटोज पेश की जाती हैं, वो लोगों की सोच पर गहरा असर डालती हैं। हालांकि सोशल मीडिया के सही इस्तेमाल से हम इन तस्वीरों को देखकर खुद को अच्छा भी महसूस करा सकते हैं या कम से कम खराब एहसास होने से रोक सकते हैं। सोशल मीडिया अभी ज्यादा पुरानी चीज नहीं है, तो इसके असर को लेकर हुई रिसर्च भी अभी ज्यादा पुरानी नहीं है, इसलिए इन रिसर्च के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा, पर इन रिसर्च से हमें कुछ इशारे जरूर मिल जाते हैं। मसलन, हम ये तो नहीं साबित कर सकते कि किसी के लगातार फेसबुक देखने से उसके अंदर नकारात्मक भाव पैदा होते हैं, पर यह पता जरूर चल जाता है कि लगातार फेसबुक में उलझे रहने वाले लोग अपने आप को खूबसूरत दिखाने को लेकर परेशान रहते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की अच्छी तस्वीरें देखकर लोग खुद को कमतर समझने लगते हैं। इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर दूसरों की अच्छी फोटोज ऐसा असर डालती हैं कि इससे लोगों की खुद के बारे में सोच नेगेटिव होने लगती है। सोशल मीडिया पर सिर्फ नजर डालने का अलग असर होता है, और अगर आप सेल्फी लेकर उसे एडिट करके खुद को बेहतर बनाकर दुनिया के सामने पेश करते हैं तो उसका मानसिक असर होता है, क्योंकि आप सेलिब्रिटी या फिर उन लोगों से प्रभावित होते हैं जो आपकी नजर में खूबसूरत या हैंडसम हैं। रिसर्च से ये पता चलता है कि हम किससे तुलना करते हैं, ये अहम पहलू है। सिडनी की मैक्स फ्री यूनिवर्सिटी की जैस्मिन फादेलू ने इस बारे में रिसर्च की है। जैस्मिन कहती हैं कि लोग अपनी तुलना इंस्टाग्राम पर अपलोड की गई फोटोज से करने लगते हैं। अक्सर ऐसे लोग खुद को कमतर रखते हैं। जैस्मिन ने यूनिवर्सिटी की 227 छात्राओं से इस बारे में सवाल पूछे। उन्होंने बताया कि वो अपने आसपास के लोगों से तुलना में खुद को कम खूबसूरत पाती हैं। सेलिब्रिटीज के मुकाबले भी वो खुद को कम ही समझती हैं। जिन लोगों को ये स्टूडेंट्स बहुत कम जानती थी, उन्हें लेकर हीन भावना ज्यादा थी। जैस्मिन कहती है कि हम जिन लोगों के बारे में ज्यादा जानते हैं, उनकी असली खूबसूरती से भी वाकिफ होते हैं, वहीं जिनसे हम दूर रहते हैं उनकी खूबसूरती को लेकर अपने मन में वहम पाल लेते हैं, जबकि सोशल मीडिया पर अक्सर लोग खुद को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। हालांकि सोशल मीडिया की हर फोटो आप पर नेगेटिव असर डाले, ये भी जरूरी नहीं है। बहुत से लोग खुद की वर्जिश करते हुए फोटोज सोशल मीडिया पर डालते हैं। कई बार ये फोटोज सच्ची होती हैं तो कई बार केवल दिखावा। इस बारे में ब्रिटेन की ब्रिस्टॉल यूनिवर्सिटी की एमी सेल्टर ने 2017 में रिसर्च की थी। एमी ने यूनिवर्सिटी की 160 स्टूडेंट्स से बात की थी, जिन स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया पर केवल एक्सरसाइज करने वाली फोटोज देखी, उनके जहन पर ऐसी फोटोज का नकारात्मक असर हुआ। वहीं जिन्होंने प्रेरणा देने वाले बयान पढ़े, जैसे कि तुम जैसे भी हो अच्छे हो, उनके ऊपर नेगेटिव असर कम हुआ। वो अपने शरीर को लेकर हीन भावना की शिकार नहीं हुई। पिछले साल आई एक और रिसर्च में 195 युवा महिलाओं को उनकी तारीफ करने वाले पोस्ट दिखाए गए। इनमें से कुछ को महिलाओं के बिकनी पहने हुए या एक्सरसाइज वाली पोज देती फोटोज दिखाई गई। लोगों में सेल्फी लेने का खूब चलन है। कहीं भी हों, सेल्फी लेकर उसे अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर डालने का शगल खूब है। बहुत से लोग असली फोटोज को बनावटी तरीकों से सजाकर पोस्ट करते हैं। टोरंटो की यॉर्क यूनिवर्सिटी की जेनिफर मिल्स ने सेल्फी के शौकीनों के बीच एक प्रयोग किया। उन्होंने स्टूडेंट्स के एक समूह से अपने फोटोज लेकर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर डालने को कहा। कुछ स्टूडेंट्स को केवल एक फोटो लेने की इजाजत थी, तो वहीं दूसरी कुछ स्टूडेंट्स को मनचाही तादाद में सेल्फी लेने की छूट थी। वो चाहे तो अपनी सेल्फी को एडिट भी कर सकती थी। जेनिफर और उनके सहयोगियों ने देखा कि सेल्फी लेने वाली ज्यादातर युवतियों को अपनी खूबसूरती पर भरोसा नहीं था। जिन्हें फोटो में छेड़खानी की इजाजत थी, वो भी खुद को कमतर ही समझ रही थी। उन्हें शिकायत थी कि वो दूसरों जैसी खूबसूरत क्यों नहीं है। 2017 में आई एक रिसर्च में कहा गया था कि जो लोग सेल्फी लेने के बाद उसे सजाकर संवारकर अपलोड करने में ज्यादा वक्त बिताते हैं, वो खुद को लेकर आत्मविश्वास की कमी के शिकार होते हैं। पर सोशल मीडिया पर हो रही रिसर्च अभी भी ज्यादा पुरानी नहीं हुई है। खुद सोशल मीडिया का दौर ही ज्यादा पुराना नहीं हुआ,
इसलिए पक्के तौर पर इसके असर को लेकर दावे करना ठीक नहीं होगा। फिर ज्यादातर रिसर्च महिलाओं पर ही केंद्रित रही है। हालांकि सोशल मीडिया और मर्दों को लेकर हुई रिसर्च के नतीजे भी इस तरफ ही इशारा करते हैं। जो पुरुष फिटनेस से जुड़ी फोटोज ज्यादा देखते हैं वो खुद के बदन को लेकर नकारात्मक सोच रखते हैं। जैस्मिन कहती है कि सोशल मीडिया को लेकर अभी और रिसर्च होनी चाहिए, तभी इसके असर को लेकर हम पक्के तौर पर किसी नतीजे पर पहुंच सकेंगे। अगर आप अपने बारे में बुरा नहीं महसूस करना चाहते तो अपना फोन या आईपैड रख दीजिए, किसी और काम में वक्त लगाइए। ऐसे काम करिए जिसका किसी की खूबसूरती या ताकत से कोई वास्ता ना हो। दूसरी बात ये कि आप ये देखिए कि सोशल मीडिया पर आप किसे फॉलो करते हैं, कहीं आपकी टाइमलाइन पर बेवजह की फोटोज की बाढ़ तो नहीं लगी रहती। ऐसा है तो सोशल मीडिया अकाउंट में आप जिन्हें फॉलो करते हैं उन पर फिर से गौर कीजिए। अब पूरी तरह से सोशल मीडिया से दूरी बनाना तो नामुमकिन है, लेकिन आपकी टाइमलाइन पर कुदरती खूबसूरती की तस्वीरें, खानपान की अच्छी फोटोज और जानवरों की दिलकश पिक्चर्स भी आए तो आप बेहतर महसूस करेंगे। HS News के लिए प्रज्ञा शुक्ला की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।